दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर स्लिप डिज़ाइन कैसे बनाएं। मैं आपको स्लिप डिज़ाइन के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए, हमने लेस ली है और आपको अभी बता देती हूँ जो डिज़ाइन देने वाले हैं। तो देखिए, एक मैंने ये ब्लाउज का कपड़ा है उसका पीस लिया है, और देखिए मैंने नेट ली है, ये नेट भी हमारी बची हुई है। तो देखिए, आपको साइज बता देती हूँ। तो देखिए, जो नेट है इसमें फ्रिल पड़ेंगी, ऊपर भी फ्रिल पड़ेंगी शोल्डर पे भी, और नीचे भी फ्रिल पड़ेंगी। और जो साड़ी का हमने कपड़ा लिया है ब्लाउज का, ये यहाँ पे हमारा इस तरह से ये बॉर्डर आएगा, और इसमें ये लेस भी आएगी यहाँ पे बॉर्डर के साथ साथ। और सबसे पहले हम कपड़े का मेजरमेंट बता देते हैं कितना लिया है। तो देखिए, इसको मैंने 4 फोल्डिंग कर लिया है दोनों स्लिप के लिए। तो देखिए, इसकी विड्थ मैंने 12 इंच ली है। आप सिंगल करेंगे तो 24 इंच हो जाएगा एक स्लिप के लिए। और ये जो स्लिप, आप इसको 36 से लेके 38 साइज़ के ब्लाउज तक या कुर्ती में लगा सकते हैं। तो देखिए, ये तो हमारी विड्थ हो गई। अभी आपको लंबाई बता देती हूँ। तो देखिए, ये 7 इंच में मैं कट कर रही हूँ। और देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये कपड़ा आगे पीछे है तो गुलाई देने के लिए आसानी रहे। तो देखिए, यहाँ से हमारी लंबाई है जैसे 7 इंच, तो 7 से नीचे हम 3.5 इंच नीचे यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं, और यहाँ से इसकी शेप दे देते हैं स्लिप की। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से शेप दे दी है। और देखिए, यहाँ पर प्लेट आएंगी जैसे मैंने बताया, यहाँ पर भी आएंगी। और मोहरी का साइज़ बता देती हूँ जो मैंने ये कपड़ा लिया है मोहरी के लिए। तो देखिए, मैंने सिंगल कर लिया है। देखिए, ये मैंने 16.5 इंच लिया है, क्योंकि इसमें हमारा 2 इंच का मार्जिन भी रहेगा। और इसकी जो चौड़ाई ली है कपड़े की, ये 3 इंच ली है। तो जो हमारा पूरा स्लिप का लंबाई दिखा देती हूँ कितना आएगा तैयार होने के बाद। तो देखिए, यहाँ पर स्टिचिंग में चला जाएगा, थोड़ा नीचे की तरफ चला जाएगा। तो देखिए, हमारा ये स्लिप का जो तैयार साइज़ रहेगा वो 9 इंच हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा नीचे स्टिच हो जाएगा, थोड़ा ऊपर, तो ये भी 10 इंच में आ रहा है। तो 1 इंच हमारा मार्जिन चला जाएगा, 9 इंच का स्लिप हमारा तैयार हो जाएगा। तो आपको यहाँ से भी कुछ नहीं कट करना है, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया फ्रिल आएंगी, सिर्फ हमको यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने ये कट कर लिया। अभी यहाँ से हम 1/2 इंच की एक्स्ट्रा गुलाई देंगे फ्रंट पार्ट में। तो देखिए, ये हमने 2 इंच मार्जिन छोड़ देते हैं, जो हमारा ये सिलाई मार्जिन है। 2 इंच छोड़ने के बाद 1/2 इंच पे इस तरह से यहाँ पे हम ड्रॉ करके इसको शोल्डर से नीचे थोड़ा कट कर लेंगे। तो देखिए, एक्स्ट्रा कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अभी आपको सिलने का तरीका बताते हैं। तो देखिए, सिलिप सबसे पहले तो हम शोल्डर पर एक पॉइंट दे देते हैं, जैसे कि हम जब जॉइंट करेंगे ब्लाउज में या कुर्ती में। ये स्लिप डिज़ाइन आप किसी में भी बना सकते हैं। कट दे दिया है। तो देखिए, कुछ प्लेट हमारी यहाँ पे शोल्डर पे आएंगी और कुछ प्लेट हमारी नीचे आएंगी। प्लेट डालने के बाद ही हम जो हमारा ये ब्लाउज का कपड़ा लिया है हमने, इसको यहाँ पे तैयार करेंगे, फिर लेस लगा के इसको डिजाइन करेंगे। तो देखिए, अभी हम सबसे पहले नीचे की प्लेट डाल लेते हैं। तो जो हमारा ये कपड़ा है, इसके साइज से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से इतना पार्ट हमारा एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर प्लेट डालेंगे। तो देखिए, इतने पार्ट में हमारी ये प्लेट आएंगी दोनों साइडों में। और ये प्लेटें जो है यहाँ से स्टार्ट होंगी, क्योंकि ये जो पार्ट है ये भी तो प्लेटों में जाएगा। तो यहाँ पर 1.5 इंच के आसपास ऊपर से मार्किंग कर लें। और अभी हम प्लेट डालते हैं। तो देखिए, छोटी छोटी प्लेट डालनी है, बड़ी प्लेट नहीं डालनी है। तो देखिए, ये प्लेटें डाल दी हैं। प्लेट डालने के बाद आप एक बार फिर से चेक कर लें कि अगर प्लेट कम ज़्यादा हैं तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये प्लेट हमारी एकदम बराबर से है। अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो देखिए, हमने नीचे की प्लेट इस तरह से डाली थी, और ऊपर की प्लेट हम यहाँ से डालेंगे। तो देखिए, जितना हमको स्लिप के लिए चाहिए हमने उतना रख लिया है, और बाकी का यहाँ पर छोटी छोटी प्लेटें सेम जैसे नीचे डाली हैं उसी तरह से हम यहाँ पर भी डाल देंगे। तो इसको ब्लाउज या कुर्ती में किसी में भी अटैच करेंगे
तो अगर जैसे कि कपड़ा आपका यहाँ पर ज़्यादा पड़ रहा है तो आप यहाँ पे एक दो प्लेट और डाल सकते हैं, जैसे कि कम पड़ रहा है तो एक आध प्लेट आप इसको खोल सकते हैं। तो ये स्लीव आप कुर्ती ब्लाउज किसी के लिए बना सकते हैं। तो देखिए फ्रिल हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम इसमें जो बॉर्डर तैयार किया था उसको अटैच करते हैं। तो देखिए जो ये बॉर्डर है हमारा, यहाँ पे हम इस तरह से, ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ हाफ इंच इसको नीचे की तरफ दबा देंगे इस तरह से, और स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग डालना। देखिए स्लीव का लुक आ गया है। देखिए यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट है जो कि एक्स्ट्रा कटिंग है, और आप अपने साइज़ के अनुसार इसमें फिटिंग दे दें। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे इस तरह का पफ दिखेगा, यहाँ पे एकदम करेक्ट फिटिंग आएगी। और इसी तरह मैं दूसरा स्लीव भी तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने ये स्लीव भी अटैच कर दी, साइड फिटिंग भी देख दी। अभी आप देख रहे हैं कि जो ब्लाउज़ का लुक है देखिए कितना सुंदर आ रहा है, कहीं भी हमारे आर्म होल है वो भी परफेक्ट आ रहे हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। तो आप इस आसान तरीके से ये ब्लाउज में स्लीव अटैच करके परफेक्ट फिटिंग दे सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।